नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज पालघर के जिला सांसद राजेंद्र गावित ने वसई ईस्ट में सेलिब्रिटी हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके पत्रकारों से काफी देर तक बातचीत की और पत्रकारों को काफी चीजों के बारे में जानकारियां दी। राजेंद्र गावित ने क्या कुछ कहा उनकी पत्रकार परिषद में, क्या कुछ हुआ वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, विस्तार से पूरा वीडियो है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी उसकी मैं आपको देना चाहूंगा। तो मेन मुख्य मुद्दे जो राजेंद्र गावित के थे वो ये थे कि अभी फिलहाल में राजेंद्र गावित ने लगातार कई बार अलग अलग मुद्दों पर संसद में आवाज उठाई है, उसकी जानकारी उन्होंने दी। उसके अलावा अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात करते हुए विभिन्न विकास काम के लिए अपनी सांसद निधि के तहत वसई वीरपालघर जिले को पूरे करीब करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की निधि सेंशन करवाई है। 1000 करोड़ से ज्यादा का फंड पालघर जिले को आने वाले समय में मिलने वाला है, उसकी जानकारी उन्होंने दी। और उसके अलावा अभी हाल के दिनों में जो उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ बैठकें की, बातचीत की, उनको लेकर खुलासा किया। पालघर सांसद राजेंद्र गावित के इन पूरे मीडिया से मुलाकात में कई चीजें सामने आई, लेकिन जो एक अहम मुद्दा जो सामने आया, उभर कर आया, वह था पालघर नेशनल हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट का। पालघर सांसद ने बकायदा एक लिस्ट जो है वो जारी करते हुए उसमें आंकड़े बताए, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चारोटी, चिंचोटी और मनोर, ये तीन जो मेन सेंटर कहे जाते हैं, इनके ऊपर पिछले 5 सालों में प्रति वर्ष के आंकड़ों के हिसाब से कितने कितने एक्सीडेंट हुए हैं, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, और कितने लोग घायल हुए, कितने लोग गंभीर जख्मी हुए, सब पूरा आंकड़ा उन्होंने मीडिया को बताया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आंकड़े वास्तव में चिंताजनक है। इसके अलावा इस पूरे इन आंकड़ों के लिए जो जिम्मेदार है, जिनका निग्लिजेंस है, इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड है, उनके खिलाफ भी पालघर सांसद ने एक पत्र शासन को लिखा है कि इनके ऊपर गुनाह दर्ज किया जाए। यानी काफी बड़ी चीज है ये कि निग्लिजेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको लेकर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ एक सांसद वो गुनाह दर्ज करने की मांग करते हैं। और गुनाह दर्ज हो चुका है, हालांकि उसमें कुछ कलम जो लगाई गई है फिलहाल वो निग्लिजेंस की है, और उसमें मांग ये जाएगी कि इसमें मनुष्य वध 304 जो लगती है वो लगाई जाए, तो उसके बारे में भी सांसद महोदय ने बताया। साथ ही साथ एक चीज और भी सामने आई कि जो नेशनल हाईवे बनाने वाले ठेकेदार कंपनी है, उस ठेकेदार कंपनी की कितनी बड़ी चूक नहीं कहेंगे, लापरवाही या चूक नहीं कहेंगे, उसकी जानबूझकर की जाने वाली गलतियां हैं कि उसने पिछले कई लंबे समय से बिजली बिल नहीं भराए, जिसको लेकर हाईवे के जितने भी ब्रिज है उनके ऊपर लाइट्स बंद हो चुकी है, जो एक बड़ा कारण है एक्सीडेंट का। तो ऐसे कई मुद्दों का आज खुलासा पालघर जिला सांसद ने किया। आप देखिए क्या कुछ कहना है राजेंद्र गावित का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या कहेंगे, मुंबई अहमदाबाद अहमदाबाद जो राष्ट्रीय महामार्ग है उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके ऊपर आपने गुनाह दाखिल करने का प्रस्ताव किया है, उसमें क्या अपडेट है, क्या हुआ है, क्या गुनाह दाखिल? एक्चुअली यहाँ का जो गढ़बंदर से लेकर तलासरी तक जो है, अभी ये 5 साल में 352 डेथ हो चुके हैं। इतने बड़े पैमान पे डेथ क्यों हुई है? जो उसका जो निग्लिजेंस जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ में, कई एजेंसी के साथ में, हमने कई बार मीटिंग लेने के बावजूद वहाँ पे बारिश के पहले उनके साथ मीटिंग हुई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो हाईवे का जो मरम्मत करना चाहिए थे दुर्भाग्य से वो नहीं कर पाए, और खड्डे मतलब गड्ढे ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे मतलब जो कई एक्सीडेंट होने के बाद
वहाँ पे कई डेथ हो चुके हैं, जैसे कि जो साइरस मिस्त्री जो है वो एक बड़ा उद्योगपति का, जहाँ पे चारोटी के पास उसका काफी बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी मतलब क्या है कि ये मतलब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने सही ढंग से उसका मतलब एक्शन लेना चाहिए था, दुर्भाग्य से नहीं ले पाए। इसका वजह से उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डेप्यूटी इंजीनियर है उनके पास हमने FIR दाखिल की। सर क्या मामला दाखिल हुआ, कौन से कलम लगे हैं कुछ? उसमें जो है कलम जो है उसमें 334 कलम हमने वहाँ पे मतलब लगाने की बात की है। 138 कलम जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से वो सही उसकी जिम्मेदारी न निभाने के लिए वजह से उसके ऊपर ये कलम लगाना चाहिए, इस तरह से हमने दो कलम उनके ऊपर लगाने का कोशिश की। सर आप शासन से निधि लाए, क्या नहीं? सर शासन से जो निधि अभी जो मिली है वो कौन सी स्कीम में जो है वो निधि जो है ना खर्चा हुई है ना? देखो यहाँ पे जो मैं हरदीप पुरी साहब जो अपना अर्बन डेवलप मिनिस्टर है उनको मैं दिल से उसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने जो अमृत 2 जो योजना है यहाँ पे जो बसे विरा अपना वाटर सप्लाई के बारे में करीबन 509 करोड़ उन्होंने यहाँ पे सेंक्शन किया हुआ है। और दूसरा जो है वेस्ट मैनेजमेंट का करीबन 492 करोड़ मतलब वहाँ पे उन्होंने सेंक्शन किया हुआ है, लगभग मतलब 1000 करोड़ उन्होंने वसे विकास के वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई स्कीम के लिए उन्होंने सेक्शन किया है, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय में पानी की मतलब दिक्कत निकलने से आने के जरिए बाद काम चालू है, इस पर लगाम लग सकती है। देखिए ऐसा है कि हमारे महानगर पालिका और जो अपना शासकीय यंत्रणा जो है उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे सभी मतलब पॉलिटिकल लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमने वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉबेटी के तौर पर जो बांधकाम हो रहा है उसको रुकाना चाहिए, और हमारा प्रयास है कि वो रुकाने का हम पूरा कोशिश। सर अभी आपने मेंशन किया है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।